बड़ागंज थाना क्षेत्र के सितुआ पार्क गांव में रिटायर्ड पुलिसकर्मी राकेश पांडे के बेटे सूरज पांडे के तिलक समारोह में हर्षे फायरिंग में चली गोली से 3 लोग जख्मी हो गए, 2 के सिर में जबकि तीसरे के जांघ के पास गोली लगी है। समारोह में मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागंज पहुँचाया, जहाँ उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल और फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वारदात के विरोध में उग्र लोगों ने 2 घंटे का रास्ता जाम कर दिया था। सितुआ पार्क गाँव निवासी सूरज पांडे गुरुवार की रात तिलक चढ़ा था। तिलक में डीजे पर डांस के दौरान किसी ने पिस्टल से हर्ष फायरिंग कर दी। गोली लगने से सितुआ पार गांव के रामाशीष का बेटा 20 वर्षीय गोलू गौड़ मरथौली उर्फ करवनिया गांव के हरिओम का 19 वर्षीय पुत्र गोविंद और तिलक समारोह में टेंट लगाने वाला बड़हलगंज कस्बे के बेली उर्फ करबला निवासी इसरार का बेटा 18 वर्षीय इरफान को गोली लगी है। गोली लगने के बाद समारोह में अफरा तफरी मच गई। गोलू और गोविंद के सिर में तथा इरफान के बाईं जांघ में गोली लगी थी। इनमें गोलू की हालत गंभीर बताई गई है। 3 लोग घायलों को मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। घटना के बाद परिजन खुद ही प्राइवेट गाड़ी से स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल और वहां से मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। इसमें पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मुख्य अभियुक्त की तलाश अभी जारी है। गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लोगों से अपील किया कि शादी समारोह में हर्ष फायरिंग ना करें, जिससे शादी और पार्टी समारोह सकुशल संपन्न हो सके। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, जी कल तिलक समारोह में बड़हलगंज में जी गई इस तरह की हर्ष फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की सूचना आई थी और इसमें पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और मेन अभियुक्त की जो है तलाश अभी जारी है और 3 लोगों की स्थिति फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। 3 को 12 बोर के कुछ छर्रे से नुकसान पहुंचा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस समय शादी ब्याह और त्यौहार उत्सव का सीजन चल रहा है, वो अपने गन्स का इस्तेमाल इन कामों के लिए ना करें।